नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 मई से लेकर के 1 जून तक का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 11वीं राशि लेते हैं, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। 29 मई के दिन आप अपने आप को प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा सशक्त रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। हालांकि इस दिन आपको बुद्धू बनाया जा सकता है, इसलिए लोगों की बातों में कम से कम आइएगा, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप समर्पित रहेंगे तो उस ओर आगे बढ़ने में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे, क्योंकि इस दिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी। 30 मई के दिन सेलिब्रेशन हो सकता है। फिर से 30 मई एक प्रकार से सेलिब्रेशन का दिन है। परिवार व मित्रों के साथ आप बहुत ही बढ़िया रोमांचक और जॉयफुल समय बिताएंगे। इस दिन प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत संबंधों में भी आप अपनी सफलता को दर्ज करा सकते हैं। सफलता को दर्ज कराने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने साथी के ऊपर जीत जाएंगे। सफलता दर्ज कराने का अर्थ हुआ ये कि प्रेम संबंधों या व्यक्तिगत संबंधों में अगर कोई समस्या इत्यादि थी तो उस समस्या से आप विजयी हो जाएंगे और आपके संबंध एक बार पुनः प्रगाढ़ हो जाएंगे। वैसे 30 मई के दिन ही अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो आपके विवाह पर प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है। 31 मई को परिवार से संबंधित मामलों पर आपको कुछ निर्णय इत्यादि लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। महिलाओं की ओर से आपको न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि बहुत ही बढ़िया सलाह इत्यादि भी मिल सकती है। इसलिए 31 मई को अगर आप कुछ संशयात्मक महसूस करें तो आप अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से सलाह इत्यादि ले सकते हैं। अगर आप स्वयं महिला हैं तो भी आप अपनी बड़ी उम्र की महिलाओं से सलाह ले सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई ऐसा प्रॉमिस 31 मई को ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। हालांकि दिन आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आप इस दिन भावुक रहेंगे और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई प्रॉमिस इत्यादि जरूर कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। 1 जून के दिन कुंभ राशि, आपको धोखा दिया जा सकता है या आपका ऐसा लाभ उठाया जा सकता है जो आपके लिए स्वीकार्य न हो। इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आएं। अगर कोई व्यक्ति आपको समझाता है कुछ, बहकाता है कुछ, या आपको लगता है कि वो बहका नहीं रहा, कुछ समझा रहा है, तो भी उसकी बात को तुरंत मानने की बजाय अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, चिंतन मनन करें और अगर संभव हो सके तो उसी बात पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों से सलाह इत्यादि करें, जिससे आपके पथ भ्रष्ट होने की संभावना कम से कम हो जाए। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 1 जून बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी 29, 30 और 31 मई अच्छी तिथियां हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 29 मई से लेकर 1 जून तक के लिए। उम्मीद है मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सुझाव इत्यादि देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।